हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं AJEE 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम फीस और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AJEE 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो AJEE 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज होते हैं हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। AJEE को हम AIACCT ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम भी बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं। लॉ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिलता है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। AJEE 2024 का जो एग्जाम होता है उसको AIACCT ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कहा जाता है, जिसको कंडक्ट कहाँ किया जाता है, बाई भोपाल मध्य प्रदेश एंड डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन बैचलर, मास्टर इन इंजीनियरिंग, एजुकेशन, लॉ एंड मैनेजमेंट कोर्सेस। सबसे पहले इसके हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का टाइप है अंडर ग्रेजुएट लेवल, एग्जाम लेवल, नेशनल लेवल। कोर्स ऑफर करती है इंजीनियरिंग। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी AIACCT ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, एग्जाम मोड ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। एग्जाम डेट है जून 2024। एग्जाम का ड्यूरेशन है 1 hour 30 minutes, टोटल आपको 90 minutes मिलता है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.aiacctdelhi@aiacct.org। एग्जाम के डेट्स के बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1 May 2024। लास्ट डेट है 30 May 2024। एग्जाम डेट है 1 to 30 June के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। रिजल्ट आता है 1 July 2024। काउंसलिंग होता है और एडमिशन प्रोसीजर होता है July 2024। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने से पहले आपको सबसे पहले आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं, आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। आपको करेक्टली वैलिड तरीके से आपको सारी डिटेल्स को फुलफिल करना है और आपको फोटोग्राफ और आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। आपको भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी JPG और JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो है नॉर्मल आपको 500 rupees पे करना होगा। आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आप करोगे पेमेंट तो आपको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू पेमेंट करना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए आपको नॉर्मली HSC एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और कंप्लीट करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए जनरल क्लास के लिए, मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर क्वालिफाइंग द टेस्ट। और नॉर्मली अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपके 40% मार्क्स आने चाहिए फॉर SC ST, तो भी आप इजिली क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, अरिथमेटिक एंड केमिस्ट्री इज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट टू क्वालिफाई द टेस्ट। इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें तो उसके लिए नॉर्मली आपको SSC कंप्लीट करना पड़ेगा, आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आप कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपको जो लाने पड़ेंगे वो भी वही है 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर SC ST। एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स के जो सिलेबस है वो टॉपिक्स है सेट्स, रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, सिंपल एप्लीकेशंस, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड लाइक्लीहुड, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल रीजनिंग। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स के जो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, फिजिक्स एंड मेंसुरेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, रोटेशनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फिक्सिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल स्किल। केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करें, सम बेसिक कंसेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रिडक्स रिएक्शन एंड केमिकल साइंस, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट में जो है वो है अल्कली, अल्कलीन अर्थ एलिमेंटल, पी ब्लॉक एलिमेंट,
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन लाइफ स्केल, प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।